उन्होंने एक फूल लेकर के आए थे, कमल फूल, जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। बोले बताओ तो इसमें पहला नंबर कौन, आठवां नंबर कौन। बोले कैसे बताऊं, इधर से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले मतलब क्या? बोले मतलब नहीं समझ रहे हो, तुम तो इधर से गिन रहे हो। अगर देवता लोग उल्टा से गिनेंगे तो क्या होगा? जिसको तुम पहला कर रहे हो ना, वो हो जाएगा आठवां। अब ये सारे बच्चे बड़े होएंगे कि नहीं? बोले होएंगे। बोले सबके सब मिल करके तुमको मारेंगे। बोले गुरुजी सबको मार दूं? बोले भैया मैं क्यों बोलूं, तू जानता, तेरे बात जानता है। उसने 6-6 बच्चों को मार डाले, और सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु आए, और अष्टम गर्भ में श्री भगवान कृष्ण आने वाले। लेकिन ठाकुर जब आते हैं ना, बैठो बैठो तू बैठो, जब भगवान आते हैं ऐसे नहीं आते। साधारण कोई मंत्री आए तो उसके लिए कितने स्वागत होता है। अभी ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक आ रहा है, एकदम पृथ्वी एकदम दुल्हन जैसे ये पृथ्वी सज गई। बोले पृथ्वी क्यों आनंद हो रही थी? बोले भगवान मेरे को हर अवतार में कृपा किया, जैसे वामन अवतार में ठाकुर जी ये पृथ्वी को नाप लिया, वराह अवतार में पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन की, रामा अवतार में मेरे को अपना सासू बनाई, और कृष्णा अवतार में मेरे को अपना पटरारी बनाएगी, नंगे प्यार में प्रभु लीला करेंगे। पृथ्वी बड़ी खुश हो रही थी, और जितने सारे लता पता वृक्ष सब खुश हो रहे थे। बोले क्यों? बोले प्रमद मदन लीला कंदर कंदर से ठाकुर जी, बड़े सुंदर मधुर मीठे मीठे लीला ठाकुर जी कुंजो कुंजो में करेंगे। भगवान अष्टमी का दिन, इसका इको थोड़ा कम करो, भगवान अष्टमी की रात में जन्म हुए हैं। अष्टमी का जो चंद्रमा होता है वो आधा, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं, प्रसन्न होकर के पूर्ण रूप में प्रकट हो गए। कमल फूल खिलता है रात को दिन में, लेकिन आज कमल फूल रात में खिल गया। बोले क्यों? बोले मेरे साथ में ठाकुर जी की सारे स्वरूप को, मेरे साथ में संतरों को उदाहरण देते हैं। कमल नेत्र, कमल बख्य, हस्त कमल, चरण कमल, सब कमल कमल को साथ में उदाहरण देंगे। इसलिए कमल फूल खिल गया, और जो यमुना यमुना त्रि से ये जमुना कलकल नाद करते हुए, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे कोई जयकार नहीं दे रहे, सारे देवता लोग प्रसन्न हो रहे हैं, अरे खुशी होकर जयकार दे रहे हैं। आप यहीं पर जय दे तो मेरे तक आवाज नहीं आ रही, जोर से इतने जोर से जय दो ना, जैसे ये ब्रह्मांड भेद करके गोलोक वृंदावन पहुंच जाए। जोर से बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी सारे देवता जय जयकार कर रहे थे सारे देवता, और इतने में भगवान कृष्ण रात 12 बजे ठाकुर जी एकदम कारागार में, कंस की कारागार में प्रभु भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, देवकी बोली प्रभु आपको तो मैं अपना बालक रूप में प्रार्थना की थी, आप तो ये चतुर्भुज रूप लेकर के आए। बोले तुम्हारी पूर्व जन्म का याद दिलाने के लिए, पूर्व जन्म में तो वृष्णि और सुतपा थे, पेड़ से जो पत्ता गिर जाता था उसको खा खा करके 10,000 साल तपस्या की। मैंने कहा क्या चाहते हो? बोले आप जैसे बेटे चाहता हूँ। बोले मेरे जैसे कोई नहीं होता, मैं आ जाऊंगा, अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, और मेरे को गोकुल में छोड़ देना, वहां पर एक बेटी को ले आना। बोले कैसे जाऊं, हथकड़ी बड़ी पड़ा हुआ, पहरादार जगे हुए। बोले चिंता मत करो, केवल मेरे सर को ऊपर रख दो, अपनी आप सबके सब खुल जाएगी। इतने में वहां पर सूप पड़ा हुआ था, कृष्ण को सूप के ऊपर रख दिए, रिमझिम बारिश ही हो रही थी, भगवान अनंत देव छत्री रूप में भगवान को रक्षा कर रहे थे, और धीरे 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 श्री वसुदेव महाराज जा रहे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको ले आओ, आ जाओ भगवान कृष्ण को देखो, भगवान को स्वागत करो। बोले स्वागतम कृष्णा
लाल की बधाई में सबको लगना है। हाँ देखो ये बच्चे को ना कोई प्यार प्यार मत सुना करो, क्योंकि छोटा बच्चा है, इतना लोग अगर प्यार सुनोगे छोटा बच्चा, अगर कोई प्रणाम देना तो प्रणाम दे करके जाओ, भेज जड़ाना, लेकिन बच्चे को प्यार कोई मत सुना करो, सुनाते हो थोड़ी सी पीछे हट जाओ, अभी बधाई गाएंगे। अभी इतने सारे चॉकलेट देखो बच्चों, देखो इतने सारे चॉकलेट फेंकूंगा, अभी थोड़े से पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, सभी लोग बधाई में नाचेंगे, थोड़ा सा पीछे हट के नाचना, किसी के शरीर में बोलो लाल कृष्ण लाल की।